वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डीटेक यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे सैमसंग गैलेक्सी J6 का। थोड़े दिन पहले सैमसंग J8 का रिव्यू हुआ था और उसके गिव अवे चल रहा है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जस्ट एक लाइक देना होगा और कमेंट बॉक्स में उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। तो आप चलते हैं गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी J6 का, इसे अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा पैकेजिंग है और इसे पहले मैं इसके अनकवर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसके वारंटी कार्ड इसके बॉक्स के बाहर मिल रहा है आपको। ये थोड़ा सा वारंटी कार्ड है तो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो इसका जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, अफोजी LD 64 बिट ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 5.6 इंची इस एमोलेड डिस्प्ले, ये बहुत बढ़िया डिस्प्ले दिया हुआ है। ये मतलब आपके जो वीडियो क्वालिटी या फिर देखने के एक्सपीरियंस है वो बहुत इंक्रीज करता है। और इसके साथ यहाँ पर सिंगल कैमरा आपको मिलता है तो 30 GB स्टोरेज के साथ आ रहा है। तो चलिए इसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे सैमसंग का जो पैकेजिंग है वो सबसे मतलब बहुत बढ़िया रहता है और यहाँ पे भी इसका पैकेजिंग देख सकते हो आप लोग कितना अमेजिंग लग रहा है। और ये है सैमसंग का मेन कंटेंट गैलेक्सी J6। सैमसंग J6 दो वेरियंट में आता है, एक है 32 GB एंड 3 GB रैम के साथ और एक है 64 GB और 4 GB रैम के साथ। और यहाँ पे एक सिंगल कैमरे के साथ ये बनाया गया है, मतलब रियर कैमरा एक सिंगल कैमरा ही है। ये आप देख सकते हो वो है 13 MP का, वो जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 MP का। और इसके पीछे में ही आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। तो ये है पूरा मॉडल और इसका जो प्रोसेसर है वो है 1970 प्रोसेसर। और मैं अब देख लेता हूँ इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ पेपर वर्ड्स जो मतलब बेसिक रहता है। और यह है सिम इजेक्टर टूल, ये है जो डेटा केबल है, डेटा केबल यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल डेटा केबल दिया हुआ है, टाइप सी पोर्ट नहीं है। और ये भी एक नॉर्मल चार्जर है, 5V 1 A का नॉर्मल चार्जर है। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो और है जो बेसिक हेडफोन है सैमसंग के साथ और मोबाइल के साथ ही हेडफोन आता है वो बेसिकली। तो एक बेसिक जो हेडफोन है वही है तो और इसके अंदर और कुछ नहीं। तो आप देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल बूट हो गया। इसके ओवरव्यू के बात करें तो इसके जो फ्रंट है, फ्रंट में आपको एक फ्लैश मिल जाएगा। यहाँ पे है इसका फ्लैश और इसके साइड में कैमरा है। और साइड में आप यहाँ पे स्पीकर आपको मिल जाएगा, स्पीकर उसके नीच में है पावर बटन, नीच में 3.5 इंच का जो ऑडियो पोर्ट होता है मतलब हेडफोन होता है वो है। और उसके बाद ये चार्जिंग का पोर्ट और यहाँ पे है आपको जो वॉल्यूम रॉकर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके नीच में आपको माइक्रो स्टिकर और सिम कार्ड और डालने की जो पोर्ट है वो आपको मिल जाएगा। बैक में यहाँ पे देख सकते हो कैमरा है, उसके साइड में फ्लैश और उसके बिल्कुल नीच में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा जैसे कि आपको J8 में मिलता है। ये बहुत ही मतलब एक कन्फ्यूजन सा प्लेस है जहाँ पे आपके उंगलियाँ आपके कैमरा के ऊपर भी जा सकता है, तो यूज करने के ऊपर ये आपको ठीक ठाक हो जाएगा। तो अभी दिखा देता हूँ कि सिम इजेक्टर टूल जो सिम है वो किस तरह की है, फ्लैट फॉर्मेट में है या फिर यहाँ पे एक देख सकते हो कि ये एक सिंगल सिम आप यहाँ पे डाल सकते हो। और दूसरे वाला जो पोर्ट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप एक सिम डाल सकते हो और एक माइक्रो एसडी कार्ड। ये एक बहुत बढ़िया फीचर है क्योंकि आपके स्टोरेज के कोई इशू आप नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड और सिम कार्ड दोनों ही मोबाइल पे आप डाल सकते हो। क्योंकि आप जो मतलब वीडियो का जो क्वालिटी है HD वीडियो हो गया और उसका जो MB है उसका स्टोरेज है वो बहुत लेता है, तो आजकल का दिन में स्टोरेज बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इस मोबाइल में वो आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हो। तो अभी दिखा देता हूँ कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो कैसा है। थोड़ा सा स्लो है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो अदर्स इस प्राइस रेंज पे जो मोबाइल मिलता है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा स्लो है और थोड़ा सा लैग भी कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि हाथ देने के बाद कुछ देर बाद ये ओपन हो रहा है। अब बट इस प्राइस रेंज पे जो और जो मॉडल मिल रहा है वो बहुत फास्टली ओपन हो जाता है, तो वही है। और आप इसके कैमरा यहाँ पे आपको बिक्सबी भी मिल रहा है। अब इसके कैमरा का क्वालिटी देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे पहले जो सेटिंग्स आता है उसे एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे मैं इसका जो बॉक्स है इसका जो पिक्चर देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर जो इमेज आ रहा है,
सैमसंग का जो कैमरा है वो ऑल टाइम बहुत बढ़िया रहता है, बट फिर भी इसका जो कैमरा है वो अमेजिंग है। और इसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहा है, आप एक साथ गिफ्ट टिप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ कैमरा का जो सैंपल है वो दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है कैमरा का। इस वीडियो में बस इतना सा ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको सैमसंग J8 का गिवा बॉय चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो में आइए। J8 का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, और तो उसमें आके एक लाइक दीजिए और कॉमेंट पर लिखिए क्यों आपको मोबाइल चाहिए। तो 8 जुलाई को उसका रिजल्ट है, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम की तरह जनरेट होगा, जिसका नाम दिया जाएगा वो गिफ्ट पाएगा। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और धन्यवाद।